चल मेरी काली कंकाली मरगट की मशानी, हाजिर हो दो मिनट। जंगल की योगनी पाताल का नाम उजड़ा, अभी तू कलारी के सुते सुख में बैठे मुख फिर पर देते, मरीज को छोड़ दूसरे कन्हैया, नहीं तो काट कर जाना हाथ भी। भले मन तीसरो बचा मेरे गुरु का संदेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिला फिरोजाबाद और जो कल वीडियो डाला था सतीश भाई का, उन्हीं के आश्रम पर रुके हुए हैं और आज उनके आश्रम पर एक मरीज आया है, उनको कुछ परेशानी है और ये भाई साहब उनको लेकर के आए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्या परेशानी है। तो भैया जी, आप कहाँ से आए हैं? जसराना के पास गांव है। जसराने के पास में इनका गांव है, इनको क्या परेशानी भैया? इनको कोई चक्कर है। अच्छा, ऊपरी बाधा है। हाँ, हाँ। कब से परेशान है? करीब हो गए 2 महीने। हमने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा। अच्छा, तो पता लगा कि आप यहाँ रुके हैं। हाँ, हम यहाँ पर रुक रहे थे, 2 दिन हो गए हमको। मैंने आपका भी एक दिन वीडियो देखा था चैनल पर। हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा। गोलमाल ब्लॉग के नाम से है। अच्छा भैया जी, इनका भी एक गोलमाल ब्लॉग के नाम से चैनल है, ये भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो इन्होंने जाना कि गुरु जी अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, फोन से बात करके। तो ये सतीश भाई साहब के पास में फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि हमारा नंबर तो भैया किसी वीडियो में है नहीं है, तो इनके पास में फ़ोन कर रहे थे, तो बताया कि गुरु जी यहाँ रुके हुए हैं, आप लेके आ सकते हैं। तो मित्रों, आज हम भाई साहब के आश्रम पर रुके हुए हैं और ये भाई साहब जब लेके आए हैं तो हम देखते हैं, आप इनको दिखा दीजिए भैया, इनको क्या परेशानी है? किसी का इन पर वो है, ये हाल तो सही हो जाते हैं। अच्छा, हाल जो मर्जी है वो कहने लगते हैं। इनका नाम क्या है भैया? इनका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र कुछ बोलते हैं भी नहीं? अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब सही हो जाए तो बोलने भी लगते हैं। अच्छा, तो मतलब अभी प्रेत साया है? हाँ, अभी है इनके। अच्छा भैया, सुरेंद्र सुरेंद्र बोलो मत। क्या परेशानी है भैया? सपना में बहुत प्रेत आते हैं। अच्छा, रात को मतलब डर लगता है? डर लगता है सपनों में। अच्छा, परेशानी होती है? कब से होता है ऐसा? 2 महीने। 2 महीने से? अच्छा, तो किसी को दिखाया नहीं आपने? अच्छा, भी आपके पास कोई बात नहीं भैया, आप हमारे पास में आए हो, इसका समाधान भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमारे बस में जितना होगा उतना करेंगे। तो दोस्तों, ये भाई साहब, इन भाई साहब को लेकर के आए हैं, इनको परेशानी है, रात को सपने में इनको डर लगता है, भूत प्रेत इनको कोई पकड़ता है और ये काफ़ी परेशान है 2-3 महीने से। मैं देखता हूँ अगर मेरे बस की बात होगी, ऐसी बात नहीं, देखिए दुनिया में हजारों तांत्रिक हैं, ज़रूरी नहीं कि भैया मैं ही काबिल हूँ, लेकिन मेरे बस की जो बात होगी, जितनी कोशिश करूँगा, हो सकता है कि भैया जी ठीक हो जाएं, और जब ठीक हो जाएंगे तो मित्रों ये भी दुआएं देंगे और जो इनके साथ आने वाले हैं वो भी दुआएं देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो बेहोश हो जाते हैं, मैंने कई अच्छा, लोगों को दिखाया है। अच्छा, बेहोश हो जाते हैं? हाँ, इन्हें नहीं मालूम कहाँ ले गए क्या, ये तो जानते पहली बार आए, क्योंकि अभी थोड़ा होश अच्छा, आ गया है। अच्छा, मैंने कई लोगों को दिखाया है, 20 लोगों को दिखाया है। अच्छा अच्छा, कई। अच्छा भाई, आप एक काम करिए, एक नीम का झाड़ा तोड़ के लाइए, नीम का झाड़ा देख लो अपने आसपास में कहीं नीम हो तो नीम का झाड़ा आप तोड़ सकते हैं। अच्छा भैया, नीम का झाड़ा लेके आए हैं, ओके, थोड़ी मिनट रुको। अभी देखता हूँ भैया, जितने भी गुरुजी महाराज की कृपा है उनकी कृपा से अगर ये ठीक हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं इस लाइन में कम से कम 14-15 साल से हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा, देखता हूँ अभी। चल मेरी काली कंकाली मरगट की मशानी, हाजिर हो 2 मिनट। और इस मरीज के ऊपर क्या परेशानी है, इसको तुरंत ठीक। चल, काली काली महाकाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जा बैठी पीपर की डाली, ब्रह्मा की बेटी भैरव की माँ, इसे भी ना माने हो जाए अंधी, जिंद को मशान को चुड़ैल को खेस को अउत को प्रेत को मरगट की मशानी को 2 मिनट में बस में ना करेगी, अपने गुरु के रक्त में स्नान करेगी, मेरी चढ़ाई चलेगी, मेरे गुरु की चढ़ाई चलेगी।
अपने गुरु के रक्त में स्नान करेगी, इस मरीज को ठीक ना करेगी, तो चल मेरी काली कंकाली, दो मिनट में इस मरीज को ठीक करना। जय माँ का। ओम दिगंबर दीनानाथ युगंधर बल्लभ गंगा सी का सशक्त जस मंडमणि फ्रो मंत्री शिरोवाचा, मेरे गुरु का शब्द है साचा। अच्छा भाई, क्या नाम है भाई आपका? सुरेंद्र। क्या परेशानी होती है आपको? रात को सपने में भूत प्रेत पकड़ता है। कितने दिन हो गए? दो महीने हो गए। किसी को दिखाया? नहीं दिखाया अभी, नहीं दिखाया, पहली बार हमारे पास आए। अच्छा, आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है उतने मैं झोंक दूंगा, लेकिन आज सतीश भाई के आश्रम पर और ये मरीज आया है तो मैं ठीक करने की कोशिश भी करूँगा। दोस्तों भैया जी, मैं इनके ऊपर एक झाड़ा लगाऊंगा और झाड़ा लगाने के बाद देखता हूं कि इनको कितना आराम मिलता है। ठीक है, जय गुरु। गुरसुट गुरसुट गुनी साहब लिखने का तंत्र में गुरु ने हो गया कि गणपत तंत्र पहुंचे पहले सुनाओ ये सब घटना की सब हो गया। चारों दिशाओं को नमस्कार करते हुए, धरती और आसमान को नमस्कार करते हुए, अपने गुरु की दुहाई देते हुए इस मरीज को आप ठीक करें। जंगल की योगनी पाताल का नाम उजड़ा, अभी तू कलारी के सुते सुख में बैठे मुख फिर फिर देते, इस मरीज को छोड़ दूसरे कन्हैया, नहीं तो काट कर जाना हाथ भी। भले मंत्री सिर्फ बचा मेरे गुरु का संदेश, दिखाओ गुरु गोरखनाथ इस मंत्र का समान। दिगंबर दीनानाथ युगंधर बल्लभ गंगा सी का सशक्त जस मंडमणि फ्रो मंत्री शुरुवाचा, मेरे गुरु का शब्द है। काली काली महाकाली दोनों हाथ बजाए ताली, जा बैठी की प्रभु ताली, ब्रह्मा की बेटी भैरव की माँ, इसे भी न माने हो जाती, जिंद को मशान को चुड़ैल को खरीद को आउज को प्रेत को मरगट की मशानी को जिंद को मशान को सबको बांध के बसवन करेगी, अपने गुरु के रक्त में स्नान करेगी, ढाका बंगाले को मान के चलेगी, नगरकोट ज्वाला जी को मान के चलेगी, ऊनागिर को मान के चलेगी, अगर मेरा कहना करेगी तो अपने गुरु के रक्त में स्नान करेगी, चल मेरी काली कंकाली मरगट की मशानी, दो मिनट में इस मरीज को ठीक कर। जय कल्याण। कितना आराम है भैया? आराम है। पहले से कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है। सही लग रहा है। कोई आपको ऊपर दबाव? अच्छा। शरीर में कोई झंझनाहट? अभी बिल्कुल ठीक हो? तो भैया जी देखिए, अभी फिलहाल मैंने झाड़ा लगा करके उसको हटा दिया है जो आपके ऊपर है, लेकिन अब आपको करना क्या है? शाम को घर जा करके आपको एक प्लेट में कपूर रख करके उस पर तीन लौंग के जोड़ा रखने हैं, एक तो गांव की चामुंडा माता का, एक काली माता का और एक भैरव बाबा का, और ये रख करके कपूर पर और जला करके कपूर को आपको पूरे घर में घुमाना है। ठीक है, और अपने ऊपर एक लोटा जल बना करके जिसमें आपको दो लौंग, दो बतासे, दो सरसों का तेल की बूंद और आधा चम्मच नमक, ये डाल करके अपने ऊपर 21 बार उतारना है। काली काली महाकाली बोलना है, काली काली महाकाली इतना बोल करके, और आप उस जल को अपने नियर बाई में जो चामुंडा माता का मंदिर हो उस पर चढ़ाना है, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, आप सही हो जाओगे। और भैया जी आप इधर आ जाइए, आप इनके लिए एक सुरक्षा कवच जरूर बनवा दें, एक सुरक्षा कवच इनके लिए जरूर बनवा दें, क्योंकि हाँ खड़े हो जाइए भैया, आप इनके लिए एक सुरक्षा कवच बनवा देना,
जिससे कि आगे भी इनके ऊपर कोई भी भूत प्रेत अटैक ना करे, क्योंकि जब तक इनके पास में सुरक्षा कवच नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं रह सकते। अभी फिलहाल में तो हमने कर दिया है, लेकिन कभी भी मौका मिलते ही वो शक्ति इनके ऊपर अटैक कर सकती है। लेकिन जब तक इनके पास में सुरक्षा कवच रहेगा, मान लो आपके पास में हथियार है, तो आपसे लड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे ही ये सुरक्षा कवच होता है, वो मरीज के लिए हथियार होता है। तो इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा देना, उसके बाद में कोई भी भूत प्रेत इनको परेशान नहीं करेगा। ठीक है भैया जी? और सतीश भैया जी, इनको एक बोतल जल पड़ करके दे देना, ठीक है? जो कि आप सुबह शाम दो दो ढक्कन उस जल को पिएंगे, और जब भी पानी उसका खत्म हो उसमें दूसरा पानी फिर मिला लो। हाँ, उसमें थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं, क्योंकि पानी खत्म, उसका पानी खत्म नहीं होने पर जब तक रहे 15 दिन तक उस जल को आप पीते रहे, यूज करते रहे, आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन सुरक्षा कवच जरूर बरमा लेना। लेकिन आराम तो है भैया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं अभी? ठीक है, तो भैया जी आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पास फोन कर सकते हैं, हमारे पास दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी फिलहाल में हमने इनको अपने झाड़े से मंत्र से ठीक कर दिया है, लेकिन आगे परेशानी होगी तो ये आप ये जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों ये यूट्यूबर हैं, इनका भी एक चैनल है गोलमाल ब्लॉग। जब इन्होंने हमारा वीडियो देखा था तब हमारे पास में आए हैं, तो हम भी इनका चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल देंगे। अगर आपको इनका ब्लॉग अच्छा लगे तो इनके वीडियो को लाइक करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। दोस्तों आपको पता है अपने चैनल पर 1,25,000 लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग इनको सपोर्ट करेंगे तो भैया इनका भी थोड़ा सा मामला बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनको सपोर्ट करें, शुरू करें। ठीक है, नमस्कार।